प्रतीक सहज पाल। प्रतीक सहज पाल बिग बॉस 15 का वो नाम जो कि सबके दिल में जहन में चढ़कर आया। प्रतीक ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन यस, जनता का प्यार प्रतीक के लिए हमेशा रहता है। उसके बाद प्रतीक सहज पाल ने बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस करे और अब प्रतीक सहज पाल दोस्तों एक बहुत बड़ा रियलिटी शो में ऐसा कंटेंडर बनकर आ रहा है। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो दनादन कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रतीक सहज पाल जो है वो इस वक्त चर्चाओं का विषय फिर से बन चुका है, क्योंकि खुद डायरेक्टर साहब ने उसकी जमकर तारीफें करी है। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो ये डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि है रोहित शेट्टी। जी हाँ, रोहित शेट्टी, जिन्होंने सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, ये जो कॉप यूनिवर्स है या गोलमाल फ्रेंचाइज है, ये सारी चीजें उन्होंने काम करी हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रिसेंटली रोहित शेट्टी से पूछा गया कुछ सवाल और इस पर वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि प्रतीक जिद्दी है। जी हाँ, वो एक बार जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। यहाँ पर स्टंट की बातचीत करते हुए कहते हैं कि प्रतीक में जो है कभी भी कोई भी चीज छोड़ने की वाली बात नहीं है। मतलब कि जो एटीट्यूड होता है ना कि यार नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नहीं, प्रतीक उसको बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, एंड ही इज स्वीट ऑल्सो। तो दोस्तों प्रतीक सहज पाल के लिए रोहित शेट्टी ने बहुत बड़ी बात बोली है। प्रतीक फैंस, आई एम श्योर आप लोग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। वेल, अच्छी बात है कि प्रतीक जो है खतरों के खिलाड़ी में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। वैसे कुछ इंटरनल सोर्सेज ने ये भी कहा कि प्रतीक पहले आउट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हमें जब ये टेलीकास्ट 2 तारीख से होगा तब पता चलेगा कि आखिरकार प्रतीक सहज पाल कैसा स्टंट कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खतरों के खिलाड़ी के जितने भी अपडेट्स आएंगी आपको सारी बातें बताऊँगा। आपको बस बने रहना है, देखते रहना है टेली खजाना। बाय बाय।